हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में बताऊंगा टायर चेंजिंग मशीन के बारे में। इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज इन्फॉर्मेशन अबाउट द मशीन एंड इसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड इज हाउ टू यूज़ इट एंड इसको रियल लाइफ में आपको यूज़ करके बताएंगे कि मतलब है ना इसमें टायर फिटमेंट कैसे करना है एंड ओपन कैसे करना है एंड आपको अगर ट्यूब इसमें है तो तब कैसे फिटमेंट करना है। ये आपका हो गया। एंड फर्स्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करता हूँ। आपको ये टायर चेंजिंग मशीन के लिए आपको दो चीज़ों की मेन रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज हवा। हवा के लिए हमारे पास यहाँ पे कंप्रेसर है। अब मैं आपको ना ये मेन टायर चेंजिंग मशीन के बारे में बताता हूँ। सो अभी हम लोग यहाँ पे पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड विद प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे पूरा ये प्रोसेस होता है एंड अबाउट द मशीन क्या क्या है एंड कैसे यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे फॉर फर्स्ट अभी हम लोग टायर का पहले हवा निकाल रहे हैं, बिकॉज अगर आप हवा पहले नहीं निकालोगे तो अगर डायरेक्टली यहाँ पे प्रेस कर दोगे तो क्या होगा, टायर बस्ट हो जाएगा। अभी ना पहले एक मिनट अभी देख, जैसे आप देख रहे हो कि अभी पहले यहाँ पे ना रिम को थोड़ा ही छोड़ के ना यहाँ पे प्रेस किया जा रहा है, सो दैट रिम एंड टायर के बीच में है ना टायर खुल जाए करके। सो डायरेक्टली आप फिटमेंट में आप बता सकते हो। अब यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको यहाँ पे चारों स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पे चारों स्टेप क्या क्या है। फर्स्ट यहाँ पे देखो तो प्रेस करते हैं। फर्स्ट ये हो गया ये टी, ये जो पीछे जाता है। अगर समझो कोई बड़ा टायर है तो है ना जब आप फिटिंग कर रखोगे तब ये ना यहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं आता, तब ये आपको पीछे लेके जाने के लिए वो वहाँ पे वो फर्स्ट बटन है। एंड सेकंड है ये ओपन करने के लिए डिस्क। ये डिस्क इसमें ओपन होगा एंड क्लोज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द टायर। ये डिस्क आपको हर मशीन में डिफरेंट आएगा। ये छोटा है, इससे बहुत बड़े बड़े भी आते हैं। ओके, अब थर्ड जो है वो है ना ये टायर एंड जो आपने फर्स्ट से देखा गया, फिर से पिकअप बता दें। अभी देखो ये प्रेस करेंगे तो इससे कैसे ये अंदर यहाँ पे लग जाएगा, तो इससे क्या होगा रिम एंड टायर छूट जाएगा। एंड जो फोर्थ है वो है स्पिन करने के लिए। ये स्पिन आपको फिटिंग के टाइम भी काम आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नीचे जो आपको रिम का जो एंड है वहां पे इसको लगाना है एंड आपको सबको इसको प्रॉपरली हाथ का ध्यान देते हुए फिट करना है। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे ना ये डिस्क का भी साइजेस रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको देख रहे हो ये बैठे हैं यहाँ पे, अभी ये रिक्शा का टायर नहीं बैठ सकता, ये लास्ट 10 नंबर तक ही है। अभी नई ऐसी मशीन्स भी आई है जो ना रिक्शा का टायर भी ओपन करती है जो 8 नंबर तक है। एंड ऐसी और मशीन है जिसमें बहुत बड़े बड़े साइज भी होते हैं। सो आप जब आप ले रहे हो कोई मशीन ले रहे हो तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना मशीन लीजिए, तो आपको कैसा ना कि हर एक सेक्टर में आपको कंप्लीट हो जाएगा। जो आप फर्स्ट ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कई कई पे बटन रहता है और कई कई पे है ना यहाँ पे एक हैंडल रहेगा, तो आप वैसे देख पाओगे। अब इसने प्रेस कर दिया और ये आगे आ गया। अभी जहाँ पे आपका ये रिम है वहाँ पे एग्जैक्टली उसको पास में उसको जब बैठाना है टायर ओपन करने के लिए, एंड इसके लिए आपको ये प्रेस करना है एंड ये बटन है यहाँ पे लॉक करने के लिए, खोलने के लिए भी यही और लॉक करने के लिए भी यही। इसका आपको ध्यान देना है क्योंकि ये अचानक से इसे ऊपर जाता है। अब फर्स्ट यहाँ पे कैसा है देखो, फर्स्ट आपको यहाँ पे ना यहाँ पे डक दिया हुआ है, डक का जो मुंह है वहाँ पे आपको बैठाना है एंड जो फर्स्ट ऊपर का जो पार्ट है टायर के, समझिए दो पार्ट है फर्स्ट एंड डाउन। फर्स्ट पार्ट पे आपको इसको ऊपर बैठाना है एंड देन फिर खाली स्पिन करना है। देखिए अभी जैसे ना उसने ऊपर बैठा दिया, बस खाली है ना नीचे जो फोर्थ जो स्टेप था स्पिन का वो खाली प्रेस किया एंड वो ऊपर का पार्ट अभी फ्री हो गया। तो ट्यूब टायर में कैसा है ना, पहले ना अभी इसको फिर से ऐसे ओपन करेंगे, ये फ्री हो गया। अब पहले ना टायर को ऐसे फ्री कर देंगे एंड ट्यूब पहले निकालेंगे। अभी जैसे ये ट्यूब निकाल दिया, अभी फुल टायर एक बार पहले ओपन कर लेते हैं। अभी देखो फिर से सेम प्रोसीजर, बट दिस टाइम अभी है ना जो नीचे का है, नीचे का पार्ट है वहां से करेंगे। एंड ये आपका टायर फ्री है। ओके, सो देखियो ये है ना यहां पे ऐसे लॉक होता है, ऐसे प्रॉपरली ऐसे लॉक होगा, ये कुछ जरा भी मूव नहीं होगा। ओके, आप इसका ध्यान देना। अभी यही यहाँ पे ना कोई स्मॉलर रिम नहीं बैठेगा क्योंकि 8 का यहाँ बैठ जाए, बट ये मूव होता है
तो वहाँ पे ये काम नहीं आएगा। यहाँ यहाँ पे 10 से ही स्टार्टिंग है। अभी फिर से हम लोग बैक टू फिटिंग करते करके, अभी फिर से अब टायर फिटमेंट कैसे करना है अभी देखिए। ये आपने फिर से ना वहीं पे लगा दिया एंड टायर के बीच में, ये आप ना यहाँ से तरीका देख लीजिए। ये इसका डाउन एंड फिट हो गया। अभी है ना टायर ट्यूब का ना मैं आपको बता दूँ, ट्यूब फिर से अभी लगाना कैसे है। यहाँ पे फिर से आपको नीचे यहाँ पे प्रेस कर देना है एंड यहाँ से पहले आपको ट्यूब ऊपर से डाल देना है। अब पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा इन्फ्लेट करना है कि जगह बना ले एंड देन फिर बाद में ना ऊपर का फिटिंग करना है। इस प्रोसीजर के अभी देखो यहां वाल लगा हुआ नहीं है। इस प्रोसीजर क्या होगा कि मतलब है ना ट्यूब अपना जगह बना लेगा प्रॉपरली एंड चिमटी कुछ नहीं खाएगा। अब है ना मैं आपको बता दूं कि ट्यूबलेस टायर को कैसे है ना लगाना है एंड निकालना है। अभी यहाँ पे उसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको है ना इसको डक बोलते हैं एंड ये पार्ट आप याद रखिए, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको ना फिटमेंट के थ्रू बताता हूँ। अब फर्स्टली जब भी आप फिटमेंट कर रहे हो तो आपको पहले ना टायर को रिम के ऊपर लगना है एंड रिम को पहले डिस्क के ऊपर लॉक कर देना है। लॉक कर दिया एंड देन फिर बाद में टायर के ऊपर रखिए एंड देन लिवर को फिर बाद में रिम के आगे लगाना है। ये आपका रिम लग गया। कंटिन्यू एंड जैसे देखो फिटमेंट कर रहे हो तो आपने पहले देखो डक को अंदर रखा टायर के एंड वहाँ पे देखो कहाँ पे है ये टायर, कहाँ पे बताओ? मिडिल पे। हाँ मिडिल पे है एंड देन फिर बस टायर को रोटेट करना है इस बटन के थ्रू एंड आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, बस खाली ये जो डक है उसको है ना टायर के नीचे करना है। ओके अभी देखो डक ऊपर आ चुका है एंड टायर नीचे एंड ये साइड देखिए, ये साइड ऊपर है और ये नीचे है। इस साइड प्रेस करना जरूरी है सो दैट ना फिटमेंट इजीली हो जाए एंड उस साइड रूम बन जाए फिटमेंट के लिए। एंड आपका फिटमेंट हो चुका है। निकालने के लिए फिर से आपको रिम के आगे लगाना है। देखो डक कहाँ पे है एंड देन यहां से फर्स्ट पार्ट ऊपर करना है। आपको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, ये टायर का पार्ट वन है एंड पार्ट टू है। पार्ट वन को पहले डक के ऊपर डालना है, डाल दिया एंड देन बस रोटेट करना है एंड मशीन अपना काम कर देगी एंड फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट के लिए आपको जो पार्ट टू है उसको भी डक के ऊपर लेके आना होगा। एंड रोटेट करना है, दैट्स इट, आपका टायर निकल गया। सो ये था मेरा वीडियो अबाउट टायर चेंजिंग मशीन। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।